At PVR Plaza, Connaught Place. We have just come out of Ram Setu, so this is an Akshay Kumar starer. So, Akshay Kumar ke fans ke liye, Naman, aap kya feel kar rahe hain? अक्षय कुमार की आखिरी की जो दो तीन फिल्में हैं वो फ्लॉप हो रही हैं, जैसे कि रक्षाबंधन हो गई और उससे पहले भी जो एक दो मूवीज़ आई थी अक्षय की वो भी फ्लॉप थी। तो ये मूवी ठीक ठाक है, मैं ये नहीं बोल सकता आउट एंड आउट ब्लॉकबस्टर मूवी, बट इट्स अ गुड मूवी, मस्ट वॉच। एंड हाउ डज आपको उनका गेटअप कैसे लगा एज एन आर्कियोलॉजिस्ट? जैकलिन फर्नांडिस को एक दिखाया है एनवायरमेंटलिस्ट, क्या आप उसको डाइजेस्ट कर पा रहे हैं? सर अक्षय को थोड़ा बूढ़ा दिखा दिया है मेरे नज़र में इस फिल्म में। अगर अक्षय को थोड़ा और जवान दिखाते तो शायद और ऑडियंस रिलेट कर पाती। बाकी अक्षय कुमार का जो गेटअप है वो ठीक ठाक है, आई एम नॉट दैट मच इम्प्रेस्ड विद दैट गेटअप। एक्चुअली बचपन में मैंने मूवी नहीं देखी थी, बाद में मूवी देखी थी कॉलेज डेज में गाइड, जिसमें देवानंद थे, वो भी इस टाइप से था कि एक आर्कियोलॉजिस्ट जो होता है ना, जो हमारे हिस्टोरिकल साइट्स होती हैं, तो उसमें वो जो देवानंद के जो समझ लीजिए एक सीनियर दिखाए गए थे वो काफ़ी एजड थे, तो इसमें वो एजड क्योंकि अक्षय की एज इतनी ज़्यादा नहीं है तो उसको थोड़ा सा वो वाइट और ये सारा गेटअप है, ठीक है। आपको ओवरऑल मूवी की थीम कैसी लगी राम सेतु? मूवी की थीम बहुत अच्छी है, बट अगर इसको भी मैं बोलूँगा फिक्शन की नज़र से देखा जाए तभी ठीक है, क्योंकि जब लास्ट में कोर्ट का वर्डिक्ट आ रहा था तो उसमें नीचे डिस्क्लेमर चल रहे थे कंटिन्यूस कि जो वर्डिक्ट है ये मूवी के हिसाब से है, असल में इसका वास्तविकता से लेना देना नहीं है। तो अगर इसको हम वैसे ही देखें तो बेहतर है, क्योंकि अभी भी राम सेतु का जो केस है वो कोर्ट में चल रहा है कि राम सेतु मैन मेड है या नेचुरल है, तो वो तो जब कोर्ट का वर्डिक्ट आएगा तो आएगा। तो जो कैरेक्टर थे अंजनी पुत्र जो बोला है एपी जी, उनका कैसे रोल लगा? उनका कैरेक्टर भी ठीक है, लास्ट में उनका जो दिखाया गया है, जो दिखाई गई है उनके बारे में चीज़ें, तो उससे काफ़ी हद तक हम हनुमान जी के एट्रीब्यूट्स को उनसे लिंक कर सकते हैं, बट वी डोंट कैन नॉट से दैट ही इज हनुमान जी, बट कैन नॉट से दैट, वी कैन नॉट से दैट। देयर इज अ कैरेक्टर हु यूज्ड टू बी इन बिग बॉस जो कि विलियन के रोल में आए, परवेश राणा, यस। परवेश का काम अच्छा है, अच्छा खासा स्क्रीन टाइम उनको दिया गया है, तो उनका काम भी जितना उन्होंने किया अच्छा काम है उनका भी। और जो इस मूवी के अंदर जो आपको सबमरीन्स या अंडर वाटर सीन्स दिखे, जो एक रॉबर्ट टाइप में अक्षय घूमते हैं, उसके बारे में कुछ बोलना चाहिए? सर VFX का काम थोड़ा सा हल्का लगा, VFX और बेहतर हो सकते थे। सबमरीन का हो गया और अक्षय को जो वो सूट पहना के वो पानी के नीचे भेजा गया था, उससे बेहतर और काम हो सकता था। यू एग्री, वुड यू से कि दिस मूवी इज नॉट मेड फॉर द थिएटर रिलीज, इट शुड बी ऑन द OTT? नो, नथिंग एज सच थिएटर रिलीज है। एक्चुअली सर आजकल क्या हो रहा है, OTT पे एक्टर्स फिल्म लेके जाते हैं, वो भी यही बोलते हैं कि आप पहले थिएटर में रिलीज़ करिए, थिएटर्स में जिस हिसाब का बिजनेस होगा OTT भी उसी हिसाब का पैसा इनको देता है फिल्म खरीदने का। बाकी OTT क्यों खरीदेगा अगर मूवी फ्लॉप हो जाएगी थिएटर पर? तो नॉट फॉर OTT, इट्स अ थिएटर मूवी, मस्ट वॉच। और आपने एक मूवी देखी थी विक्रांत रोना, तो वो अक्षय कुमार वाली जो राम सेतु कुछ विक्रांत रोना से रिलेट कर पा रहे हैं? मैंने विक्रांत रोना नहीं देखी। आपने नहीं देखी, थैंक्स।